मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 के लिए मध्य प्रदेश भाजपा ने घोषित किया अपने सीएम मुख्यमंत्री का चेहरा। दोस्त स्वागत है आपका एम पी न्यूज़ लाइव में और मैं हूँ आपका होस्ट दोस्त कुलदीप पांडे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर बड़ी खबर सामने आई है, जिसमें विधानसभा चुनाव 2023 के लिए एमपी में बीजेपी का नया चेहरा। दोस्तों क्या पूरी जानकारी जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस तरह का अपडेट न्यूज़ सबसे पहले प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन दबा दें, जिससे इस तरह का अपडेट न्यूज़ आप तक तुरंत पहुँच पाए और आप उनसे अपडेट हो सके। आइए बढ़ते अपडेट की ओर, जान लेते हैं पूरे अपडेट को विस्तार से। दोस्तों बीजेपी मध्य प्रदेश चुनाव में पूरी ताकत झोंक दी है। केंद्रीय संगठन ने प्रदेश में चुनाव की कमान संभाल ली है। पिछले दिनों गृह मंत्री अमित शाह मध्य प्रदेश में आए थे और बीजेपी नेताओं की मीटिंग ली थी। मीटिंग में वे जीत का मंत्र देकर गए थे। उनके दौरे के बाद 2023 के विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी का चुनावी सॉन्ग आ गया है। सॉन्ग का टाइटल है कि मोदी के मन में बसे एमपी और एमपी के मन में मोदी। चुनावी सॉन्ग पूरी तरह से पीएम मोदी पर केंद्रित है। इससे साफ हो गया है कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी का चेहरा कौन होगा। दरअसल मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने बड़ी नियुक्तियां की हैं। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव को एमपी में चुनाव प्रभारी बनाया गया है। वहीं सह प्रभारी रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को बनाया गया है। दोनों को पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के करीबी और भरोसेमंद माना जाता है। नियुक्ति के बाद दोनों गृह मंत्री अमित शाह के साथ भोपाल आए थे। इसके बाद बीजेपी की बड़ी मीटिंग हुई थी। इससे साफ है कि इस बार एमपी चुनाव की कमान केंद्र के हाथों में रहेगी। चुनावी सॉन्ग लॉन्च। दोस्तों वही मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी का चुनावी सॉन्ग आ गया है। सॉन्ग में सरकारी कार्यों का बखान के साथ ही वीडियो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर केंद्रित है। चुनावी सॉन्ग का टाइटल है कि एमपी के मन में मोदी और मोदी के मन में एमपी। इस वीडियो के सियासी मायने निकाले जा रहे हैं, साथ ही इससे स्पष्ट संकेत भी मिल रहे हैं कि इस बार का चुनाव किसके चेहरे पर लड़ा जाएगा। मध्य प्रदेश चुनाव में बीजेपी का चेहरा कौन? दरअसल इन दिनों मध्य प्रदेश के सियासी गलियारे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि बीजेपी का चेहरा कौन होगा। कई लोग कयास लगा रहे हैं कि चुनाव से पहले सीएम को बदला जा सकता है। पिछले दिनों एमपी दौरे पर आए गृह मंत्री अमित शाह ने साफ कर दिया है कि नेतृत्व में कोई परिवर्तन नहीं होगा। वही चुनावी सॉन्ग में पूरा फोकस पीएम मोदी पर किया गया है। पीएम मोदी के चेहरे पर चुनाव। दोस्तों चुनावी सॉन्ग्स में एमपी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कहीं नहीं दिख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे को ही प्रमोट किया गया है। साथ ही पूर्व के कई कार्यक्रमों से यह संकेत मिल रहा है कि इस बार का चुनाव पीएम मोदी के नाम पर लड़ा जाएगा। एक महीने के अंदर मध्य प्रदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दो बार एमपी आ चुके हैं। बात कर लेते हैं कि जीत के बाद कौन होगा मुख्यमंत्री। दोस्तों इसके साथ ही यह भी कया सवाल है कि एमपी विधानसभा चुनाव 2023 में अगर बीजेपी को जीत मिलती है तो मुख्यमंत्री कौन बनेगा। इसे लेकर बीजेपी की तरफ से कोई बड़ा बयान नहीं आया है, लेकिन यह संकेत जरूर मिल गया है कि चुनाव पीएम मोदी के चेहरे पर होगा। नतीजे के बाद तय होगा कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, हम इस तरह का अपडेट न्यूज़ आपके लिए साझा करते रहते हैं।